हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही अच्छा सवाल देखने जा रहे हैं जिसमें x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n दिया हुआ है एंड वी आर सपोज टू प्रूव। क्वेश्चन इस तरह से होगा, इफ देन प्रूव दैट then prove that dy by dx is equal to y by x or या इसमें and लिख देता हूं मैं, d2y by dx square is equal to zero। ये भी दिया रह सकता है और आपको ये भी दिया रह सकता है। कभी आपको ये दिया होगा कि प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स यहाँ तक प्रूव करना है और उसके बाद आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। सोल्यूशन इसका बड़ा शानदार है, बहुत सारी पावर और मल्टीप्लीकेशन होने के कारण वी शैल टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। तो अगर हम लॉग लेते हैं दोनों साइड का तो ये देखिए क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन। इसको लिख सकेंगे हम लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एम प्लस लॉग ऑफ वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एम प्लस एन। यहां हमने लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है वो मैं यहां लिखता हूं आपको, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये प्रॉपर्टी यूज की है। अब देखिए लॉग की अगली प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है लॉग की अगली, लॉग ऑफ ए टू द पावर अगर पी होगा तो हम उसे लिख पाएंगे पी लॉग ए, पी लॉग ए यानी ये पी इस यहाँ आ जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकेंगे एम लॉग एक्स प्लस एन लॉग वाई एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड और भी कई क्वेश्चन होंगे, आखिरी तक आप बने रहिए मैं आपको बताऊंगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा m बाय एक्स एन बाय वाई एन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई और y का हुआ है इसलिए dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स प्लस वाई वन प्लस dy वाई बाय डी एक्स। क्या किया हमने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ दिस इंप्लाइज m बाय x प्लस n बाय y dy by dx is equal to, now open this, m plus n upon x plus y plus m plus n upon x plus y dy by dx। अब इसको आप उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो तो हमारे पास क्या आएगा जरा देखते हैं, यहां लिख देते हैं इंप्लाइज m बाय एक्स माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस दिस n बाय वाई dy by dx, so dy by dx भी कैन बी टेकन कॉमन, इसको कॉमन ले लिया dy by dx को कॉमन ले लिया। अब
आप क्या करें, इधर और इधर दोनों साइड थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू एक्स प्लस वाई आफ्टर टेकिंग एलसीएम, m इंटू एक्स प्लस वाई माइनस m प्लस एन इंटू एक्स, m प्लस एन इंटू एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में भी सिंप्लीफाई कर दें तो एम प्लस एन इंटू वाई माइनस एन इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम से एम प्लस एन इंटू वाई माइनस एन इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई कैंसिल, डी वाई बाय डी एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करें, एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स अपॉन एक्स, कैंसिल क्या हो रहा है, एम एक्स एम कैंसिल इज इक्वल टू एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई अपॉन वाई, एन वाई एन वाई कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये भी वही है, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन वाई, एम वाई माइनस एन एक्स एम वाई माइनस एन एक्स कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को आप उधर भेज दें तो ये हो जाएगा वाई बाय एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, और डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, हेंस इट इज प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। नाउ टू प्रूव सेकेंड पार्ट, अब फिर इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, टू प्रूव सेकेंड पार्ट डिफ्रेंशिएटेड अगेन, तो दोनों साइड क्या कर दिया, डी डी एक्स कर दिया, इस साइड भी कर दिया और इस साइड भी कर दिया। अब राइट साइड का डिफरेंशिएशन देखो, राइट साइड का डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से सुनो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज वाई बाय एक्स, तो दिस इज वॉट वाई बाय एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया है, ये आया है आपका यूजिंग वन, ये जो लिखा है ये यूजिंग वन है। अब आप क्या देखें क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल, सो वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज जीरो, सेकेंड पार्ट इज प्रूव, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इट इज डिनोटेड एज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट इज प्रूव, सेकेंड पार्ट is proved, is proved। अब इसके जैसे क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको मैं इसके जैसे और क्वेश्चंस बताऊंगा, तो वो भी आप ध्यान से देखिए कि जब कभी आपको ऐसा दिया हो x
टू द पावर एम इंटू वाई टू द पावर एन, यहां पे एक्स माइनस वाई हो तो भी इसका ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है और यही प्रूव करना पड़ सकता है। कभी ऐसा क्वेश्चन हो, इफ एक्स टू द पावर टू बाई थ्री वाई टू द पावर फोर बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस और माइनस, दोनों हो सकते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर, इन दोनों का सम आता है, टू बाई थ्री फोर बाई थ्री का सम कितना, टू बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री सिक्स बाई थ्री विच इज टू। और यहां भी देखो आप, वही इसका सीक्रेट है, देन अगेन यू मे आस्क्ड टू प्रूव, दोनों चीज भी पूछ सकते हैं, दोनों में से एक भी चीज पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को इस तरीके से ही डील करना है हमें और इनको प्रूव करना है। आप अपने कमेंट्स लिखिए और मुझे बताइए, ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई भी कर सकते हैं घर पे सेल्फ, और मुझे लिख बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई या आपको क्या सहूलियत हुई। आप दोस्तों के साथ इन सॉल्यूशंस को ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दें। विश यू ऑल द बेस्ट।